आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रतलाम रेल मंडल के रतलाम दाहोद के बीच मंगल मोहड़ी और रीलम खेड़ा के बीच रतलाम से चली मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। रेल दुर्घटना रात करीब 12:20 पर हुई है। तेज गति से चल रही मालगाड़ी के पटरी से उतरे डिब्बे इस कदर उलझे हैं कि बिजली से ट्रेन को चलाने का काम करने वाले OH यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल तार भी टूट गए हैं। बिजली के तार दोनों दिशा से टूटे हुए हैं, अर्थात रतलाम से मुंबई जाने वाली रेल लाइन और मुंबई से रतलाम आने वाली रेल लाइन दोनों दिशा में बिजली के तार टूट गए हैं। रेल दुर्घटना की सूचना मिलते ही रतलाम रेल मंडल से रख रखाव के लिए दल रवाना कर दिया गया है। रतलाम से रात करीब 12:50 दल को रवाना कर दिया गया है। इस दल के अलावा रेल मंडल के आला अधिकारी जिसमें स्वयं DRM विनीत गुप्ता भी शामिल है दल के साथ गए हैं। मंगल मोहड़ी और लीम खेड़ा यार्ड में यह दुर्घटना हुई है। अपलाइन यानी कि रतलाम से दाहोद के बीच हुई इस रेल दुर्घटना में रात करीब 4 रख रखाव का कार्य शुरू किया गया। रेलवे ने रेल दुर्घटना के बाद नई दिल्ली मुंबई राजधानी अगस्त क्रांति राजधानी गरीब रथ सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस मुंबई से इंदौर आने वाली अवंतिका एक्सप्रेस मुंबई जयपुर एक्सप्रेस पूना इंदौर एक्सप्रेस जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस को रास्ते में रोक दिया है। इन ट्रेनों को रतलाम से चित्तौड़गढ़ अजमेर अहमदाबाद होकर मुंबई चलाया जाएगा और मुंबई से आने वाली ट्रेन भी इसी परिवर्तित मार्ग से आएगी। इसके अलावा दाहोद अभीबगंज और दाहोद रतलाम उज्जैन मेमू को निरस्त किया गया। Thank you.